पूरे दो साल तक खामोश रही भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता नुपुर शर्मा एक बार फिर से एक्टिव हो गई हैं। 3 दिन में दूसरी बार उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए अपनी बात सार्वजनिक रूप से रखी है। जून 2022 से अब तक वह पूरी तरह चुप्पी साधे रही। नुपुर ने अब रियासी आतंकी हमले की आलोचना की है। नुपुर ने कहा कि किसी भी रूप में आतंकवाद को माफ नहीं किया जा सकता है। रियासी में भक्तों की बस पर आतंकी हमले को लेकर नुपुर शर्मा ने अपना आक्रोश जाहिर करते हुए कहा कि इसे माफ नहीं किया जा सकता है। उन्होंने लिखा, किसी भी रूप में आतंकवाद को माफ नहीं किया जा सकता है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करती हूँ। इससे पहले 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के बाद नुपुर शर्मा ने उन्हें बधाई दी थी। यह 2 साल में उनका पहला पोस्ट था। नुपुर ने तब लिखा था, आज तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते देख अत्यंत प्रसन्नता हुई। फिर एक बार मोदी सरकार सुरक्षित व विकसित भारत की हो। गौरतलब है कि 2 साल पहले एक टीवी डिबेट शो के दौरान नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिस पर खूब बवाल हुआ था। नुपुर को सिर तन से जुदा करने की धमकियां मिलने लगी। नुपुर को दिल्ली पुलिस की सुरक्षा प्रदान की गई और वह सार्वजनिक जीवन से दूर हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी बंद कर दिया। भाजपा ने उन्हें पार्टी से निलंबित भी कर दिया था। हालांकि नुपुर शर्मा अब दोबारा एक्टिव होने का संकेत दे रही है। 25 मई को वह भारी सुरक्षा इंतजाम के बीच वोट डालने बूथ पर भी पहुंची थी। अब 3 दिन में 2 ट्वीट करके उन्होंने कमबैक का इशारा किया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।